यू मिस्टर विराज, अगर आप नहीं होते तो कुछ नहीं किया था मुझे, इन्होंने किया। इस फ्रॉड फैमिली को भी इन्होंने ही पकड़वाया, और प्लान तो सारा कजिन्स ने बनाया था, मैं तो सिर्फ हेल्प कर रहा हूं। पापा, एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। चलिए ताऊ जी, हम चलते हैं। शुक्रिया। अब पापा, मैं अभी आती हूं। सर, मैं आपको थैंक यू नहीं बोलना चाहती। पर सर, हमने कुछ नहीं किया मिस निशा, जो भी किया आप कजिन्स ने किया। इनफैक्ट हम तो आप कजिन से बहुत इंस्पायर हुए। सर, सिर्फ कीर्ति के लिए नहीं, आपने अमन की भी हेल्प की, और फिर अब आप मेरी लाइफ को भी एक नया मोड़ देने वाले। ये सब के लिए मैं आपको थैंक यू नहीं तो और क्या बोलूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। इट्स सिंपल मिस निशा, अपने दादाजी को मनाइए, समझाइए। अगर आप आज शाम की प्रैक्टिस के लिए अकेडमी आई, वही हमारे लिए सबसे बड़ा थैंक यू होगा। हम इंतजार करेंगे। विराज इंतजार करता रह जाएगा और निशा कभी शूटर नहीं बन पाएगी। अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है। ओह माय माय, कोई किसी काम में हमारी मदद मांग रहा है, ऐसा पहली बार हुआ है। पर हम क्या कर सकते हैं शेखर, ये एकेडमी विराज की है, वो जो चाहे कर सकता है। आई होप तुम कुछ ऐसे काम में हमारी मदद नहीं मांग रहे हो जिससे विराज को कोई नुकसान पहुंचेगा। इन दो में से एक चॉइस करो, एक विराज का नुकसान, दूसरा आपका नुकसान। क्या हुआ, चॉइस अचानक सिंपल लगने लगी? मैंने निशा और प्रियंका दोनों को शूट करते देखा है। प्लीज डोंट माइंड, प्रियंका निशा के सामने खड़ी भी नहीं हो सकती। ऐसे कैसे कह सकते हो, प्रियंका ने कितने सारे मेडल्स। साल, दो साल बहुत अच्छा वक्त होता है। अगर दो साल में निशा शूटर बन गई तो इस एकेडमी में और विराज की लाइफ में आपकी और प्रियंका की क्या इंपॉर्टेंस रहेगी। बात यहाँ विराज के नुकसान की नहीं, आपके फायदे के हो रही है। हम लोग एक दूसरे को काफी अरसे से जानते हैं, ऐसे में किसी बाहर वाले निशा को फायदा क्यों पहुंचे। अगर वो शूटर बन गई तो हमें अपनी एकेडमी में कोई पूछेगा भी नहीं। एग्जैक्टली, अगर हम दोनों साथ हो गए तो ऐसा होने से रोक सकते हैं, निशा को एकेडमी से निकलवा सकते हैं, जिसके बाद इस लक्ष्य एकेडमी में सिर्फ एक शूटर रह जाएगी और वो है प्रियंका। कि ये सब होगा कैसे? वो सब आप मुझ पे छोड़ दीजिए, और जैसा मैं कहूं ऐसा करती रहे। सपोर्ट के लिए थैंक्स, मैं चलना चाहिए। अलसी, यू वेलकम पुआ जी। फाइनली विराज, फाइनली।
मेरे यहाँ आने का मकसद मुझे पूरा होते हुए दिख रहा है। छोटे हुकम, तुमसे ज्यादा टैलेंट होते हुए भी सारे कॉम्पिटिशन्स तुम जीतते आए, लेकिन ये जिंदगी का चैलेंज मैं तुमसे जीतूंगा। अब तुम्हें मेरे दर्द का एहसास होगा जब निशा जैसे टैलेंट को मैं नंबर वन तो क्या शूटर ही नहीं बनने दूंगा। तुम्हारा इस एकेडमी को दोबारा खड़ा करने का सपना सपना ही रह जाएगा। और अपनी इस तबाही को देख के कहीं तुम्हें दोबारा पैरालिसिस का अटैक ना हो जाए। राज सिंह राठौर। कीर्ति बेटा, एक बार फिर से सोच लो, तुम सचमुच जाना चाहती हो क्या? हाँ पापा। बेटा, वी आर वेरी पापा, इट्स ओके, मैं समझती हूँ। बेटा, हमें माफ कर दे। सच कहूँ तो हम ये समझ ही नहीं पाए कि जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी गलती नहीं होगी। हमने तो तुम पर भी शक, प्लीज, गलती मेरी भी थी। और अब ऐसे रोइए मत, वरना मैं भी नहीं जा पाऊंगी। मामा, मैं सच में जाना चाहती हूँ। लाइफ में पहली बार मैं कुछ कर रही हूँ और मुझे पता है मैं सही कर रही हूँ। और वैसे भी मेरा कुछ तो हक है ना कि मैं कुछ दिन के लिए सबसे दूर जाऊं, जयपुर से भी। जा पाएगी हम सबसे दूर, जाना पड़ेगा। और मैं जाना चाहती हूँ, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मामा जी के घर जा रही है ना? पर मामी जी तो बहुत गंदा खाना बनाती है। तुझे मेरी याद आएगी कीर्ति, और मेरी भी। उस छोटे से शहर के अंदर क्राउड बहुत ही बुरा होगा, जैसे तू कहती है ना, हाउ ब्ला और नो शॉपिंग मॉल्स, डबल ब्ला। कीर्ति, इंटरनेट भी नहीं होगा, ट्रिपल ब्ला। शायद ना मुझे मेरी लाइफ में ब्ला की जरूरत है, कम से कम सही लाइफ पार्टनर चूज करने की अक्ल तो आएगी। मुझे पता है सब कजिन चाहे कहीं पे भी हो, कभी भी अलग नहीं होंगे। प्लीज मुझे जाने दो, आई रियली नीड इट।
हेलो, पैकिंग में मेरी हेल्प नहीं करोगे? हौपला, आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।